दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उपजी स्थिति पर कांग्रेस कोर ग्रुप में हुई चर्चा। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार के शिकार लड़की के स्वास्थ्य में सुधार। डॉक्टरों ने कहा पीड़िता अब भी वेंटिलेटर पर, लेकिन वेंटिलेटर का सपोर्ट हुआ कम। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का नया बयान रिकॉर्ड। नई इंडिया गेट के पास के मेट्रो स्टेशन फिर से खुले। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा महिलाओं को अत्याचार से बचाना हमारी जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ली पद और गोपनीयता की शपथ। अहमदाबाद में आयोजित समारोह में राज्यपाल कमला बेनीवाल ने दिलाई शपथ। समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती के रुख से आज अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 6 पैसे नरमी के साथ 55.01 प्रति डॉलर पर खुला। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 66 अंक ऊपर मजबूत होकर 19,321 अंक पर खुला। निफ्टी भी आज 14 अंक ऊपर चढ़कर 5,871 पर खुला। संकट में फंसी किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी सीमित उड़ानें बहाल करने के लिए अंतरिम पुनरुद्धार योजना कल विमानन क्षेत्र नियामक DGCA को सौंपी। हालांकि कंपनी अभी उड़ानें शुरू नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके उड़ान लाइसेंस की अवधि 13 दिसंबर को समाप्त हो रही है। मिस्र में 2 चरणों में हुए जनमत संग्रह में 2/3 मतदाताओं ने देश के नए संविधान का किया समर्थन। इस्लामी पार्टियों ने इसे देश के लिए प्रजातंत्र और स्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम बताया। कजाकिस्तान में कल एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 27 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में चालक दल के 7 सदस्य और 20 जवान शामिल। अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त शहर में विस्फोट होने से 3 लोग घायल। ये विस्फोट अमेरिकी सैन्य बेस के निकट हुआ। पाकिस्तान ने बेंगलुरु में खेले गए पहले T20 मैच में भारत को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने कप्तान मोहम्मद हफीज और बल्लेबाज शोएब मलिक की शानदार पारी से 134 रनों का लक्ष्य किया हासिल। भुवनेश्वर कुमार ने लिए 3 विकेट। दोहा में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में टीम इंडिया का सामना आज आखिरी ग्रुप मुकाबले में मलेशिया से। भारतीय टीम जहां इस मैच को जीतकर अपने जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहेगी, वहीं मलेशिया के लिए ये मैच है काफी महत्वपूर्ण। दक्षिण एशिया में आए खतरनाक सुनामी और भूकंप की आज 8वीं बरसी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे और करीब 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। म्यांमार में कल एक यात्री विमान के हवाई पट्टी पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। देश के कई हिस्सों में गिरते पारे ने कपकपाने वाली सर्दी से लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खासकर कामकाजी लोगों को सुबह और शाम घने कोहरे के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में 3 दिनों तक लगातार कोहरे की मार झेलने के बाद आज इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। शहीद उधम सिंह की जयंती के मौके पर आज कृतज्ञ देश उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। पंजाब के संगरूर जिले में सुनब नामक गांव में 26 दिसंबर 1899 को उधम सिंह का जन्म हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने जनरल माइकल डायर को मार दिया था। देश के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है। राजधानी स्थित उनकी समाधि स्थल कर्मभूमि पर आज उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।